अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 10 और इसकी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, इसकी हम लहदा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसकी करते हैं। एक्स स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 एक्स स्क्वायर। दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस 7x आए। कौन कौन से होंगे, माइनस 4x माइनस 3x जमा 12। माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 एक्स स्क्वायर और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 7x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x से कॉमन क्या आ गया, x, x माइनस 4। इस तरफ से माइनस 3x प्लस 12, इसमें से माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 4। x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बाकी बच गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। बीस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये आएगा 20x स्क्वायर। आप वैसे दो फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस 9x आए। कौन कौन से होंगे, माइनस 5x और माइनस 4x। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन आ गया, x माइनस 5, इसमें से माइनस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 4 बाकी बच गया। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की फैक्टराइजेशन करनी है। फिफ्टीन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 15x स्क्वायर। अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस 8x आए। कौन कौन से होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। माइनस 5x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 15x स्क्वायर आएगा और ऐड करें तो माइनस 8x आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x से x कॉमन आ गया, x माइनस 5। माइनस 3x प्लस 15 में से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 3 बाकी बच गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब सारे फैक्टर को इकट्ठा लिख लेंगे। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। जो इसके हमने फैक्टर बनाए हैं वो लिखेंगे। पहले x माइनस 4, x माइनस 3 लिखेंगे, इसके है ना ये वन। अब ये x माइनस 5, x माइनस 4। अब ये x माइनस 5, x माइनस 3
से आगे लिख लेंगे एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री। पहले ये एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का स्केयर आ गया, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर का स्केयर, एक्स माइनस फाइव का स्केयर। ठीक है, टेकिंग स्केयर रूट। टेकिंग स्केयर रूट, जब स्केयर रूट लेंगे इसका क्या आएगा? स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।